ये 3 कप मैंने चावल के डाले हैं इसमें। अब इनको मैं भगो के रखूँगी, पहले इनको 2 दफ़ा धो के और फिर इसको उसी तीसरे पानी में भगो के रखूँगी चावल को। तो 1 चम्मच इसके अंदर मैं डालूँगी नमक की ताकि ये गिरे ना चावल। प्याज से लें और हमको इस तरह काट। एक और मसला भी होता है कि लेडीज जब प्याज काटती हैं तो वो आंखों से बहुत पानी बहने लगता है और उससे बड़ा मसला बनता है। तो आप प्याज को या तो छुरी और प्याज को धो लें छिलका उतार के, नहीं तो इसको छिलका उतार के फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में रख दें थोड़ी देर प्याज को, तो आपकी आंखों से पानी नहीं आए। बारीक बारीक लहसुन और अदरक को बारीक कूट लें, ऐसे नंगे डंडे से कूट लें, वैसे आप ज़रा पेस्ट ख़राब नहीं लगता। थोड़े अगर बड़े हों तो होगा इनको। अब आप ऑयल डालें, एक कप ऑयल डालें। वो प्याज आपने काट के रखे थे उनको डाल दें। हम मसाला बना रहे हैं बिरयानी का, पहले मसाला साथ ही तैयार होगा, साथ ही हम गोश्त भी साफ करेंगे और साथ ही अब ये प्याज मैं कर रही हूँ, इनको तेज़ आंच पे रखे हुए, ये थोड़ा गोल्डन हो जाएंगे जब, तो उसके बाद मैं इसमें चिकन डालूँगी और उसे भी फ्राई करूँगी। ये लाइट से गोल्डन हो गए, अभी इनको थोड़ा सा और गोल्डन हो गए तो फिर हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे। मैं भून रही हूँ थोड़ा मसाले को, चिकन को इसको, ताकि भून जाए और साथ इसमें डाल जाए। अब इसको बंद कर देंगे थोड़ी देर 5 मिनट, इसमें 1/2 कप पानी का डाल दे देते हैं। 1/2 कप पानी का इसका मैंने इसमें डाला है और इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। ये भी हो गए, मसाला तैयार हो गया बिरयानी का। जब चावल बॉयल होंगे तो उसके बाद बाकी प्रोसीजर। इस समय नमक डालूँगी। ये चावल की रह जाए तो आपने इसको कर लेना है, ये आप चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए आप, बहुत मज़े की बात है, खाने के बाद ही पता चले रहते हैं। और उसमें मैं 1 चम्मच ऑयल भी डालूँगी और इसमें 1 चम्मच